हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मॉडरेट चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ऑन वेडनेसडे हैज अप्रिशिएटेड द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट एट सेंटर अंडर नरेंद्र मोदी फॉर बीइंग इनवाइटेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑन स्वेयरिंग इन सेरेमनी इन दिल्ली ऑन मंडे. फारूक एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट अंडर मोदी द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी इम्प्रूव्ड. जी बिल्कुल, हमने भी अभी मीडिया के तवस्सुत से बात सुनी है कि नरेंद्र मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब को जो है अपनी उस सेरेमनी पे आने की दावत दी है. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस जेस्चर का वेलकम करती है और हमारा तो ये हमेशा से मानना रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर नज़दीकी हो, अगर एक ट्रस्ट और एतमाद बढ़े, वो एक अच्छी बात है. क्योंकि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, तब तक जाहिर सी बात है कि कश्मीर के मसले का हल भी नहीं निकाला जा सकता. However, on the other hand, PDP chief Mehbooba Mufti has also praised Modi's government for the same. She said a new initiative has been taken and the move would benefit the people of Kashmir. अगर हमारे आपस में मसले हल होते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, जिसकी शुरुआत मैं समझती हूँ आज एक दावतनामे से हुई है, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा खर्चा फौज पे और दूसरी चीज़ों पे किया जाता है, उसको हम अपनी गरीबी मिटाने के लिए, अपनी मुफलिसी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऑन द होल मैं समझती हूँ बहुत अच्छा नेक शगुन, इट्स अ गुड ओमन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. इस पूरे खित्ते के लिए बहुत ही अच्छी खबर है आज. An invitation to attend Modi swearing-in ceremony has been sent to SAARC nations.